ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका हमारे आज के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पठन में हार्दिक स्वागत है। हम सातवें अध्याय से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे, श्लोक नंबर 6 से। मुकम कृति वाचलम पंकुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमाम वंदे श्री गुरुम दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम् कृत्सन्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य द्वारा एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है, हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार और अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है, यानी कि ओरिजिन है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में 2.2.13 में हुई है, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, श्लोक नंबर 7। मतः परतरम नान्यत् की किंचत् दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो ये अर्जुन के एक और नाम के और पर्यायवाची जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सिनोनिम्स हैं, धनंजय भी अर्जुन का ही एक नाम है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य, परम सत्य आकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं जो समस्त कारणों के कारण हैं। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरम तद्रूपमान्यम एतद्विदुर्मृतास्तते भवन्तय थेतरे दुःखमेवापयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के एक आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं मनुष्यों तथा अन्य निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है।
यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों 3.8.9 से भी इसकी पुष्टि होती है। विदाह मेतम पुरुषम महान महांतमादित्य वर्णम तमसः परस्सतात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय यस्मात् परम नापरमस्ति किंचिद् यस्मान्नार्णीयो नो जयायुस्ति किंचित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेदिनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महानतर हैं, जिसको हम कहते हैं स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड बिगर देन द बिगेस्ट। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं, अपनी ट्रांसेंडेंटल और मटीरियल। रसोहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। श्लोक नंबर 8। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा और अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनके विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है, वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध और निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है, जिसको हम कहते हैं simultaneously different but still same। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं तथा वे ओंकार का उच्चारण करते हैं। किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है।
कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है, जो कृष्ण को नहीं जानते वह मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। श्लोक नंबर 9। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो। अतः आद्य इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, तथा यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद यानी कि रस होता है और इस रस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध और स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। तो इसमें हमें यह बता इन श्लोकों में हमको ये पता चल रहा है कि जो भी है मटेरियल या ट्रांसेंडेंटल या स्पिरिचुअल वो सब भगवान है। चाहे वो फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, स्वाद है, टेस्ट है, या फायर है, या फिर पानी है, पानी का जो शुद्ध स्वाद है उसमें जो स्वाद है वह भी कृष्ण है। उसको केमिकल्स, उसको रसायन के द्वारा, उसको डिफरेंट डिफरेंट हम चीज को परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करके अलग अलग उसके स्वाद बना सकते हैं, परंतु जो ओरिजिन है हर एक चीज का वो सब भगवान ही है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। तो यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है हमारे में जठराग्नि वो भी भगवान है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व के कृष्ण कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने आप को दीर्घ आयु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है, यानी कि हमारे चारों तरफ हर एक चीज में भगवान है, कृष्ण है, और हम जो जीवित हैं वो भी उसका भी कारण कृष्ण ही है। जब तक हमारा आत्मा इस शरीर में है तब तक हम जीवित हैं। जब वो आत्मा यहाँ से पलायन कर जाता है, परमात्मा भी निकल जाता है साथ में, दोनों साथ साथ हैं, टू बर्ड्स ऑफ द सेम ट्री वाली जो हम एनालॉजी यूज करते हैं, तो ये सब कॉन्शियसनेस भगवान से ही है हमारे में, और वह कॉन्शियसनेस आत्मा है। श्लोक नंबर 10। बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धि मतास मताम स्मि तेजस तेजस्विनाम महम। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों का की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर और अचर जीव हैं। चर होते हैं जो चलते हैं, अचर जो नहीं चलते, पक्षी, पशु, मनुष्य और अन्य सजीव प्राणी चर हैं, पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सब के जीवन के बीच स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है,
कृष्ण ब्रह्म पर ब्रह्म या परमात्मा है, ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु पर ब्रह्म साकार है, निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। तो ब्रह्म निर्विशेष है और पर ब्रह्म साकार है, और जो निर्विशेष ब्रह्म है वो साकार रूप में है। तो ब्रह्म निर्विशेष है किंतु पर ब्रह्म साकार है। जो हम इफल्जेंस देखते हैं भगवान के शरीर से आ रही है, बॉडी से आती है, वो उसको हम निर्विशेष बोलते हैं। उसका कोई, क्योंकि वो पर्सनालिटी से वो तेज आ रहा है, जो इफल्जेंस आ रही है, पर जो भगवान है वो साकार है, भगवान का फॉर्म है, वो फॉर्मलेस नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतश चेतनश चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करते हैं, पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। श्लोक नंबर 11। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कारणों के लिए नहीं, कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वह अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। श्लोक नंबर 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्च ये मत्त एवेति तान्विधि नत्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हों, रजोगुण या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र, मेरे प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। भगवान यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि वे मटेरियल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। जबकि जो मटेरियल एनर्जी है वो भगवान के अधीन है, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सत्व रजो और तमो गुण भगवान कृष्ण के से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हैं, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते, ये भगवान का विशेष लक्षण है। तो जैसे वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, ये भी भगवान के ही ज्यूरिस्डिक्शन, भगवान के ही के अधीन है, उसके अधीन ही काम करते हैं। ये हम लोगों पर असर करते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पांच तत्वों से बना हुआ है, और जो हमारे में कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, वो भगवान, जो वो भगवान के पार्ट एंड पार्सल, भगवान के उसका पार्ट एंड पार्सल, उसका अंग है, परमात्मा का अंश है। सो हम लोग मटेरियल एनर्जी से सुपीरियर हैं, लेकिन
जो ये जो तीन गुण होते हैं, थ्री मोड्स ऑफ नेचर, ये हम पर काम करते हैं, भगवान पर नहीं। भगवान के ये सबॉर्डिनेट्स हैं, भगवान के अधीन हैं। तात्पर्य हमने पढ़ लिया इसका, श्लोक नंबर 12 का। अब श्लोक नंबर 13। त्रिभिर्गुणमयी प्रभाव वैरे भी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। तीन गुण गुणों सतो रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे मुझ गुणातीत या अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि तीनों गुण जब तक असर करते रहते हैं भगवान के, वो नहीं जान पाते हम। इनसे सतोगुण से भी ऊपर उठना पड़ता है, तब हम भक्ति में पथ पे आते हैं और भगवान से हमारा, समझ लो, इंट्रोडक्शन होता है। तब हमारा, जब हम अपनी, हमारी कॉन्शियसनेस सतोगुण से भी ऊपर उठ जाती है। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होने के होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक और शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितान सत्वगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, और जो नितान तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, तमोगुण को हम बोलते हैं इग्नोरेंस, और रजोगुण को हम बोलते हैं मोड ऑफ पैशन, और जो सत्वगुण होता है उसको बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस। जो इनसे भी नीचे हैं, इन इन तीनों तीनों से, जो जो चार श्रेणियों से भी नीचे हैं, वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थाई नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमरीकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है। यहाँ तक कि जो सत्वगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य की के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात रूप स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश और त्याग भरा है। जब सत्वगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। श्लोक नंबर 14। दैवी हियशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत में हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। जो जब तक हम मटेरियल नेचर से कनेक्टेड हैं, उसे ढके हुए हैं, क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन हमारी नहीं हुई है हमारे, तब तक हमारी जो प्योर नेचर है, ट्रांसेंडेंटल, जो हमारी भक्ति का भाव है, वो ढका रहता है उस। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण, यानी कि ढके होने के कारण, मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता।
जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, परा और अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने पर मोस होने से उनका मोह भी नित्य होता है। हम लोग भगवान की पराशक्ति यानी कि ट्रांसेंडेंटल शक्ति से संबंधित हैं, लेकिन जो अपरा शक्ति है, जो यहाँ पे मटेरियल का जो है सब कुछ, उससे हम इम्प्योरिफाइड या दूषित होकर जो हमारा मोह है वो भी नित्य हो जाता है, सॉर्ट ऑफ हमेशा ही रहता है हमारे साथ में। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, यानी कि हम लोग जो कंडीशन सोल हैं ये बंधे हुए हैं, एंटैंगल्ड हैं। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता, फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण और विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है। सो बैकग्राउंड में माया की ये जो जादू है वो भी भगवान ही है, जबकि माया इज नॉट परमानेंट, वो टेम्पररी है, मिथ्या है, इट्स नॉट द ट्रूथ। पर फिर भी माया के बैकग्राउंड में भी परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10 में इसका उल्लेख है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी यानी कि रज्जू है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यद्यपि मनुष्य के हाथ पांव बांध दिए जाएं, तो वह अपने को नहीं छुड़ा सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनकी प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीवी को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे, क्योंकि माया के स्वामी यानी कि अधीश्वर भी कृष्ण है। वही इसको आदेश दे सकते हैं माया को कि वह कंडीशन सोल को छोड़ दे। और ये कौन कर सकता है? या कृष्ण या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, वो शिक्षा गुरु हमें सहायता करते हैं, हमें समझाते हैं। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवशी जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा और शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के समान ही हैं, किंतु रजोगुण और तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। ब्रह्मा मोड ऑफ पैशन में है, वो हम सब की उत्पत्ति कराते हैं, तो वो रजोगुण में है, मोड ऑफ पैशन में है। और शिव जी वो तमोगुण में है, उनका काम है जब संसार का एनाइलेशन करना होता है, जब खत्म करना होता है, तो वो इसलिए उनको तमोगुण का अवतार कहा जाता है और ब्रह्मा को रजोगुण का अवतार कहा जाता है।
अब इन दोनों के लिए संभव नहीं है कि बद्ध जीव यानी कि कंडीशन सोल को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा और शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। तो शिव और ब्रह्मा का नेचर भी, उन्होंने उनकी वे भी जीव ही हैं एक किस्म के, पर उन्होंने इतनी ऑस्टेरिटीज की, इतनी तपस्या की है कि, और इतने अच्छे काम किए हैं कि उनको इतना इम्पोर्टेंट पद, इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट भगवान द्वारा दिया गया है। एक जीवों की उत्पत्ति करें और एक जब संहार का समय है तो तब उनका काम होता है, शिव जी का। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3 पॉइंट, मुझको 8 और 9 जो शब्द हैं हिंदी के, मुझे उसमें अभी भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं चेक कर रही हूँ, ये 8 ही है ना, हाँ 3.8, इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल कृष्ण कृपा, विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जाती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। तो आप सबका आज, हम आज की हमारी भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज हिंदी के पठन में साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली दफा हम श्लोक नंबर 15, 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 15, 7वां अध्याय है भगवद ज्ञान से रीडिंग और छोटी थोड़ी सी जो डिस्कशन है वह कंटिन्यू करेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हरि ओम तत्सत, हरे कृष्णा।